राज्यसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं सोमवार को प्रदेश कांग्रेस संचार के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रत्याशी राजीव शुक्ला रंजीत रंजन योग्य अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए दो दो सदस्यों का होना है। जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो आज राज्यसभा के बारे में कुछ सोच सकें। श्री राजीव शुक्ल और श्रीमती रंजीत रंजन को कांग्रेसाला कमान ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े योग्य अनुभवी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और इनकी उम्मीदवारी से राज्यसभा में इनके चयन से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की आवाज़, देश की प्रबुद्ध आवाज़ राज्यसभा में गूंजेगी। हम सब कांग्रेस जन इससे प्रसन्नचित हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी। जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सकें।